What an unfortunate day. हम लोग अभी गुबस्तान रॉक आर्ट म्यूजियम गए थे और वहाँ जाने के बाद पता चला कि अभी न्यू एयर की वजह से पूरे अजरबैजान में पब्लिक सेक्टर में छुट्टियाँ हैं. उसकी वजह से सारे म्यूजियम्स और जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो सब बंद हैं. तो हमें वहाँ पे एंट्री नहीं मिली. इवन हमने जो वहाँ के पुलिस वाले थे उनको कहा कि भाई एंट्री टिकट तुम हमसे ले लो और अंदर जाने दो, लेकिन उसने नहीं जाने दिया. शायद यही वजह है कि कल जब हम कारपेट म्यूजियम गए थे तो कारपेट म्यूजियम भी बंद था. इसी वजह से मैं कारपेट म्यूजियम की वीडियो अभी तक शेयर नहीं की है, क्योंकि हो सकता है हम किसी टाइम बाद में कारपेट म्यूजियम जाएं और फिर मैं उसकी वीडियो शेयर करूंगा. तो इस वक्त हम लोग गोबिस्तान मडवाल के नो से वापस आ गए हैं, क्यों सॉरी गोबिस्तान रॉक आर्ट म्यूजियम जो है वहाँ से वापस आ गए हैं और हम पहुँचने वाले हैं बीबी हैबत मॉस्क. ये जो आपको सामने बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आ रही है, यह है बीबी हैबत मॉस्क. और इसकी हिस्ट्री ये है कि 8th इमाम जो थे ये उनकी बहन थी उखैमा खानम. वो जब उमैयद एरा में जो भी डिसेंडेंट्स थे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ से ये हिजरत करके अजरबैजान आ गई थी बाकू. तो इस जगह पर फिर उनकी वफ़ात हुई थी. तो उनकी कब्र मस्जिद के अंदर अभी भी मौजूद है. जब हम अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा उनकी कब्र इंशाल्लाह. तो ये मस्जिद उनके हवाले से मशहूर है. ऑब्वियसली यहाँ पे जो अहले तशयी हजरात हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं उनके लिए. मतलब जैसे पाकिस्तान में हम लोग मज़ारात पे जाते हैं, उसी तरह से अहले तशयी हजरात यहाँ पर आते हैं ज़्यारत के लिए. इस वक्त मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और ये जो सामने वाला एरिया है ये मज़ार का है उखैमा खानम की, और ये जो बैक साइड है मेरी वहाँ पर मेल प्रेइंग एरिया है. तो चलें पहले चलते हैं मज़ार वाला एरिया देखते हैं और फिर उसके बाद मस्जिद में जाएंगे. ये सामने है उखैमा खानम का मज़ार, उनकी कब्र. और ये जो बाउंड्री सी नज़र आ रही है इसके अंदर 3-4 कब्रें और भी हैं, और यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए. और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने इस जगह के बारे में पढ़ी है, वो ये है कि अगर कोई खातून इनफर्टाइल है तो वो नंगे पैर यहाँ आए तो इंशाल्लाह ताला उनको जो है फर्टिलिटी आ जाएगी और वो कंसीव कर सकेंगी. बट आई एम श्योर ऑल दीज आर मिथ्स. आई डोंट बिलीव ऑन सच थिंग्स. मांगना है तो आप डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगें और उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर जाना ही है जो इस्लाम में जायज़ है जिन जगहों का सफ़र करना, वो 3 जगह है, मक्का मदीना और बैतुल मुक़द्दस. आप उनमें से किसी जगह का सफ़र करें और वहाँ जाकर और मांगें अल्लाह ताला से, तो इंशाल्लाह ताला आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिलेगा. तो ये बिलीव होना चाहिए इंसान का. हम इस वजह से या किसी ख़ास एसोसिएशन की वजह से, मैं तो पाकिस्तान में कभी किसी मज़ार पे नहीं गया, लेकिन अजरबैजान में हम बहुत सारे इस तरह की प्लेसेस पर जाएंगे जिसके मुतालिक इस तरह की मुख्तलिफ स्टोरीज़ लोगों ने बनाई हुई हैं, लोकल लोगों ने भी. और हो सकता है कि ये किसी दूसरी कंट्री से भी इंस्पायर हो. तो हम इस वजह से ऐसी कोई भी जगह एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना उसको विजिट करेंगे. हम एज एक्सपीरियंस के तौर पे ऐसी जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ये इस खूबसूरत सी मस्जिद का मेल प्रेइंग एरिया है. बीबी हैबत मॉस्क 15th सेंचुरी में पहली बार शिरविन शाह ने बनाई थी, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर सोवियत कब्ज़ा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो बोल्शेविक्स ने इस मस्जिद को बाकी दूसरे वर्शिप प्लेसेस के साथ साथ इसको भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था. 1990s में अजरबैजान ने रशिया से अपनी इंडिपेंडेंस के बाद इस मस्जिद की रिकंस्ट्रक्शन की है.
बिल्कुल उसी डिज़ाइन पर जिस पर शिरवंशास ने ये मस्जिद पहली बार बनाई थी। यहाँ पर हमारे बीबी हैबत मॉस्क का टूर कंप्लीट होता है और इसके बाद अब हम आज कहाँ जा सकते हैं। हैदर अलीव कल्चरल सेंटर भी आज बंद होगा क्योंकि पब्लिक हॉलीडे है। हैदर मॉस्क जा सकते हैं, तो चलते हैं हैदर मॉस्क।